ब्रजभूषण सिंह और रेसलर्स के बीच में मचे बवाल में नया मोड़, विरोध प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों ने अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन की। रेसलर्स ने किया ऐलान, ड्यूटी के साथ चलता रहेगा उनका सत्याग्रह। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण पर आरोप लगाने वाली महिला पहलवान ने अपने आरोप वापस ले लिए। पहलवान बजरंग पुनिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो साझा किया, कहा पहलवानों के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, मैं उसका खंडन करता हूं। पुनिया ने कहा कि हम लोग एकजुट हैं और एक साथ हैं, लेकिन हमारे बारे में झूठ फैलाया जा रहा है ताकि हमसे जुड़े हुए लोग अलग हो जाएं। नौकरी वाली बात पर बोले पुनिया, कहा कि हमारे मेडल को 15-15 रुपए में बताने वाले अब हमारे नौकरी के पीछे पड़ गए, हमारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है और उसके आगे नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। बबीता फोगाट ने कहा कि सरकार मुद्दे को सुलझाना चाहती है, लोग पहलवानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत ने पहलवानों के समर्थन में 9 जून को जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना किया स्थगित, कहा पहलवानों ने गृहमंत्री से मुलाकात की है, ये बेहतर है। फतेहाबाद में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने पहलवानों के आंदोलन पर दिया बयान, कहा कि प्रधानमंत्री अगर पहले दिन ही इस मामले में जांच का बोल देते तो मामला इतना बढ़ता ही नहीं। पूर्व सीएम विजय रूपाणी, दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज से शुरू हो रही है आरबीआई एमपीसी की बैठक, 8 जून तक चलेगी। पानी में बहे सुशासन के पुल पर सियासी लीपापोती, नीतीश कुमार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी पर ठीकरा फोड़ा। पटना में तेज प्रताप यादव का अजीबोगरीब बयान, तेज प्रताप यादव बोले बीजेपी वाला सब पुल गिराया है, हम लोग बनाते हैं, बीजेपी वाला सब गिराता है। पटना में बीजेपी के लोग किए हैं पुल, तो वही लोग गिरवाए हैं, हम लोग तो बना रहे हैं, वो लोग। पटना में निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त होने पर बीजेपी और जेडीयू का एक दूसरे पर जोरदार हमला, बीजेपी पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की तो जेडीयू पार्टी ने डिपार्टमेंटल जांच की बात कही। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नीतीश सरकार पर वार, कहा कि सीएम नीतीश को फिर से लगता है कि मेमोरी लॉस उनकी हो गई है और मुझे सेंसलेस कह रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उनसे पहले मैं बिहार का मंत्री बन चुका था। मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यक्रमों के बीच में आगामी विधानसभा चुनाव पर बड़ी बैठक, पार्टी ऑफिस में अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष का मंथन। यूएस में राहुल का फिर से केंद्र सरकार पर बाल, बोले मोदी इतिहास की राजनीति करते हैं और मैं भविष्य की राजनीति। राहुल पर जेपी नड्डा ने किया पलटवार, कहा कि वो मोहब्बत की दुकान नहीं चला रहे, नफरत का शॉपिंग मॉल चला रहे। कर्नाटक में मंत्री के वेंकटेश बोले भैंसे कट सकते हैं, बैल कट सकते हैं तो गाय क्यों नहीं, गौहत्या विधेयक में संशोधन पर बीजेपी की चेतावनी। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के 39वीं वर्ष से पंजाब में सुरक्षा कड़ी, एसजीपीसी ने शांति की अपील की। बालासोर रेल हादसे में अब तक हालात अब हो रहे हैं धीरे धीरे सामान्य, आवाजाही एक बार फिर से शुरू उसी रास्ते पर जहां हादसा हुआ था, अब लोगों को बांटा जा रहा है मुआवजा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी जाएंगे ओडिशा, भुवनेश्वर और कटक के अस्पतालों में जाकर घायलों से करेंगे मदद। बालासोर हादसे में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बालासोर हादसे में टीएमसी का हाथ, कहा राज्य में सीबीआई जांच को लेकर इतनी चिंतित और घबराए हुए क्यों है टीएमसी। भुवनेश्वर में एम्स संविदात्मक कर्मचारी संघ की बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर प्रतिक्रिया, मरने वाले लोगों के लिए दीपदान और संवेदनाएं व्यक्त की। तकरीबन 32 साल बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी को मिली गुनाहों की सजा, वाराणसी में अवधेश राय मर्डर केस में उम्र कैद की सजा, छोटे भाई और कांग्रेस नेता अजय राय के सामने हुई थी।